लोग कैसे हैं? I think कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और थॉमस एकेडमी ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जब आपके लिए पहला वीडियो मैं लेकर आया हूं और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में हमने पहले आपसे बात करी है, आपको मैंने कंटेंट और इसकी वर्कशीट आपको भेजी थी। जैसे कि आपको पता है केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एक नया पदार्थ बनता है नए गुणधर्मों के साथ। एनी केमिकल रिएक्शन इज द दोज रिएक्शन इन व्हिच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद अ न्यू प्रॉपर्टीज। इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है पूरी तरह से और नए गुणधर्मों के साथ में, नई प्रॉपर्टीज के साथ में नया पदार्थ बनता है। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें तीन चीजें ऑब्जर्व करी जा सकती है, उसके फिजिकल स्टेट में, कलर्स में और उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन जब भी हेड होती है तो उसके कलर में चेंज हो सकते हैं, उसके फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है या फिर उसका ब्रेकिंग, उसमें ब्रेकिंग बॉन्ड्स होते हैं। जैसे आपको पता है केमिकल रिएक्शन, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि जब भी कोई भी आयरन नील अगर बाहर पड़ा हुआ है और लगातार रिएक्ट होता रहेगा एयर वाटर ह्यूमिड से, तो उसमें आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद उसमें जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इसके आगे मैंने कहा था केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रूप में लिखने को, लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। प्रतीकात्मक रूप में रासायनिक अभिक्रिया को लिखने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आपको बताया था रासायनिक समीकरण में दो भाग होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन मैंने लिखी हुई है और जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट या अभिकारक। और जो रिएक्टेंट में से जो कोई जो चीज फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे आप देखें कॉपर लिखा है मैंने और ऑक्सीजन लिखा है और ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड प्रोडक्ट हो गया और बीच में आप देख रहे हैं एरो का चिन्ह लगा है जो इसको इक्वलाइजेशन को दिखाता है। ये सिर्फ एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह इक्वेशन होती है जिसमें जितने रिएक्टेंट होते हैं, यानी अगर कॉपर इधर एक है तो इधर भी कॉपर एक ही होना चाहिए, अगर दो कॉपर है तो दो भी होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन दो है इधर भी दो होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन दो नहीं है यहाँ पे, यानी ये इसका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सिर्फ हमने लिख दिया है, इसे बैलेंस्ड नहीं किया है। तो आज हम आपको कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा एक मेथड के ट्रायल के थ्रू आपको हम बताएंगे कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को, किसी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए क्यों संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो होना चाहिए। क्योंकि अगर जितने हमने इधर जितने सब्सटेंस लिए उतने इधर भी सब्सटेंस बनने चाहिए, ठीक है। तो आज आपको मैं सिखाऊंगा कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है बच्चों, लेकिन बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले सबसे पहले आपको जो बेसिक इसका ये समझना है, हमें पहले पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। जो इधर लिखा हो वो रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट। और आपको पता होना चाहिए मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे क्लास 9 में मैंने बताया था कि CO क्या लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन में, इधर यहां पे रिएक्शन लिखी हुई है, इधर आपको मैं बैलेंस करके दिखाऊंगा। जैसे पहली इक्वेशन जो मैंने लिखी हुई है कॉपर Cu plus O2, यानी इटमीन्स ऑक्सीजन क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन बच्चों ये बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक तरफ LHS, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड,
और दूसरी तरफ लिखेंगे RHS, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। इसका इस लेफ्ट हैंड साइड में जितने आपके यहां पे प्रोडक्ट है, जितने यहां पे आपके सबसे लिखे होंगे यानी आइटम लिखे होंगे सबका नाम यहां पे हम लिख लेंगे। जैसे कॉपर लिखा है इधर सर, तो कॉपर लिख लेंगे, ऑक्सीजन वो लिख लेंगे, और इधर भी कॉपर है और ऑक्सीजन है, दोनों को हम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जितने कॉपर नंबर ऑफ कॉपर इधर है उसका नंबर लिख लेंगे, कॉपर यहां पे कितने हैं, एक है, ऑक्सीजन यहां पे दो है, और राइट हैंड साइड पे वन एंड वन। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता, कोई भी नंबर आगे नहीं, तो उसको वन मानते हैं। और एक बच्चों एक बात और बता दें, कोई भी नंबर जब भी इसके आगे आता है तो वो नंबर जैसे मान लेते हैं यहां पे टू लिखा होता है, तो टू कॉपर और टू ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पे जब भी आपका LHS और RHS मैच, ये बात आप जानते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS होता है तभी वो प्रूफ होता है, यानी तभी वो बराबर होता है। तो कॉपर तो यहां पे एक है, कॉपर भी एक, ऑक्सीजन यहां पे दो है लेकिन ऑक्सीजन यहां पे एक है, तो इसका मतलब इधर को हमें दो करना पड़ेगा। तो इधर हम दो कर देते हैं, इसको क्रॉस करके दो लिख दिया। जब आप यहां पे दो लिख देते हैं तो आप देखिए, जब आप यहां पे टू लिखते हैं आप यहां पे, तो देखिए दो कॉपर हो गया और दो ऑक्सीजन भी हो गया, मींस यहां पे टू कॉपर हो गया। अब देखिए यहां पे टू कॉपर हो गया, यहां पे लेकिन एक ही कॉपर है, तो यहां पे भी हम क्या कर देंगे, टू कर देंगे, तभी तो बैलेंस होगा बच्चों। तो टू आप देखिए दोनों तरफ, याद रखिए जब भी आपका बैलेंस हो जाएगा तो जितने नंबर ऑफ एटम इधर आएंगे उतने नंबर ऑफ एटम इधर भी, कॉपर टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू। अब बैलेंस देखिए, दो कॉपर इधर है, दो ऑक्सीजन है, दो कॉपर है और ऑक्सीजन। यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कैसे दो हो गया दो कॉपर। जब भी आपका कॉपर, जब भी कोई भी अगर आपका रिएक्टेंट फॉर्मूला लिखा हो, अगर उसके आगे दो लिखा हो, जैसे आपका मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2ab लिखा है, इसका मतलब 2 से a, a का 2 से भी मल्टीप्लाई है और b से भी, b का भी 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो आप दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम, अब देखिए यहां पर लिखा है फिर से कॉपर ऑक्साइड है प्लस NH3 अमोनिया है, कॉपर है प्लस नाइट्रोजन है और फिर वाटर है। अब फिर से आपको वही तरीका अपनाना है, पहले आप LHS लिखिए, RHS लिखिए, यहां पर ये क्या है बच्चों, जैसे आपको मैं बता रिएक्टेंट है प्रोडक्ट ये सब बना हुआ, कॉपर नाइट्रोजन है वाटर, कॉपर यहां पे क्या क्या है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है, इधर देख लीजिए कॉपर है। अगर आप लाइन से लिखेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा, ऑक्सीजन लिख लीजिए, नाइट्रोजन लिख लीजिए, फिर हाइड्रोजन। अब फिर से आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है कॉपर प्रेजेंट है वो आपको लिखते जाना, पहले एक तरफ का लिख लिया करिए, कॉपर का 1 है, ऑक्सीजन भी 1 ही है, नाइट्रोजन भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहां पे 3 है। यहां पे देखिए कॉपर एक है, नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो बैलेंस है उसको बैलेंस कर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन यहां पे 2 है तो नाइट्रोजन को यहां पे 2 लिख लेते हैं, तो 2 आप लिख तो दिए लेकिन आप यहां पे जब 2 आगे लगा दिए तो इसका मतलब क्या, दो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, 3, 6 हाइड्रोजन हो गया। तो अब यहां पर 6 लिखेंगे आप, तो 6 लिख दिया आपने, 6 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन यहां पे बच्चों आप बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन तो 2 ही है, यहां पे अब हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, 3 लगा दिया, तो अब यहां पे 3 लगाने से 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन होने पे ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर फिर से बढ़ गया, 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन। तो अब यहां पे हम 1 को हटा के क्या लेते हैं, 3 ऑक्सीजन। अब देखिए 3 ऑक्सीजन हो गए तो 3 यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब 3 ऑक्सीजन हो गए यहां पे, तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 3 कॉपर भी हो गया और 3 ऑक्सीजन भी हो गया, यहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे कॉपर तो तीन हो गए, लेकिन यहाँ पे कॉपर एक ही है, तो इधर भी कॉपर तीन हो गया और इधर भी कॉपर तीन हो गया। देखिए नंबर मिला लीजिए सभी का, कॉपर यहाँ पे तीन, इधर भी कॉपर तीन, सॉरी मैंने लिखा नहीं था, ऑक्सीजन यहाँ पे तीन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन तीन, नाइट्रोजन टू, नाइट्रोजन यहाँ पे भी टू, एंड हाइड्रोजन सिक्स, एंड हाइड्रोजन सिक्स, आई थिंक इट इज अ बैलेंस, बैलेंस हो गया बच्चों। यस, अब हम तीसरी इक्वेशन को देखेंगे, बहुत आसान होती है, बस आपको याद रखना है, जब तक दोनों तरफ बैलेंस ना हो जाए तब तक आपको बैलेंस करते रहना है, ठीक है। अब आप तीसरी इक्वेशन देख रहे हैं, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, एयर, एल्युमिनियम, आयरन एंड एयर टू ओ थ्री, एयर टू ओ थ्री। अब देखिए बच्चों, फिर से आपको क्या करना है, एक तरफ LHS लिखना है, लिख लिया RHS हमने, फिर RHS, फिर मैंने बताया था जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, सबसे पहले आप लिख लीजिए आयरन का, फिर लिख लीजिए एल्युमिनियम, फिर आप लिख लीजिए ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आयरन है, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। आयरन कितना है आपका, टू है, आयरन भी टू लिख लेंगे यहाँ, ऑक्सीजन कितना है, थ्री है, एल्युमिनियम वन, आयरन यहाँ पे वन, एल्युमिनियम टू है, यहाँ पे टू लिख लिए, ऑक्सीजन थ्री। अब बैलेंस, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है, एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, एल्युमिनियम टू कर देंगे, एल्युमिनियम यहाँ पे टू हो गया एल्युमिनियम। अब लेकिन यहाँ पे आयरन बैलेंस है, आयरन यहाँ पे टू है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आयरन यहाँ पे टू कर देंगे, टू Fe, तो आप देखिए क्या है, बैलेंस हो गया, आयरन टू, यस आयरन टू इधर भी है, एल्युमिनियम टू, एल्युमिनियम भी टू इधर है, थ्री ऑक्सीजन, थ्री ऑक्सीजन, इट इज अ बैलेंस्ड। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऐसे गाढ़ा होगा, इसमें आपको ट्राई करते रहना जब तक कि बैलेंस ना हो जाए। ओके, हम आगे बढ़ेंगे चौथी रिएक्शन की तरफ, चौथी रिएक्शन आपकी मीथेन के साथ में है, CH4, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी वाटर, क्या करेंगे सबसे पहले LHS लिखेंगे, यहां पर RHS लिखेंगे, इधर बच्चों क्या करेंगे, कार्बन जितने भी आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन पहले लिख लीजिए, चलिए हाइड्रोजन लिख लीजिए एंड ऑक्सीजन, इधर भी क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस ये याद रखिए, इधर अगर कार्बन लिखा तो इधर भी कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा इधर भी हाइड्रोजन ही लिखा होना चाहिए, ताकि आपका नंबर पता चलता रहे कि आपका ये सेम आ रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन भी यहाँ पे है और इधर भी ऑक्सीजन। अब देखिए कार्बन यहाँ पे वन है, वन यहाँ पे कार्बन कितना है, वन है, ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन फोर है यहाँ पे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे टू है, ऑक्सीजन कितना है, टू, इधर भी ऑक्सीजन टू, अब बताइए बैलेंस क्या नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे फोर है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ टू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, यानी टू से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, फोर हो गया हाइड्रोजन, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन फिर से इंक्रीज हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, टू यहाँ पर है और टू ऑक्सीजन और हो गया, तो टू प्लस टू फोर ऑक्सीजन हो गया आपके पास, फोर ऑक्सीजन। अब लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है जब टू नंबर आगे लगाते हैं तो अगर नीचे टू लगा तो यहाँ पे सामने लगा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो टू इंटू टू
4, यहां पे 4 हो गया। अब देखिए सर बैलेंस है 1 है 4 है 4 1 4 4 तो आप देख रहे हैं यहां पे कार्बन 1 है हाइड्रोजन 4 है इधर भी हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 याद रखिए ये मत सोचिए कि सिर्फ इसको इसी को काउंट करेंगे नहीं यहां पे 2 ऑक्सीजन और यहां पे भी इसके आगे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन से भी 2 प्लस 2 ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों 4 ऑक्सीजन आई थिंक ये समझ में आ गई होगी बात आगे बढ़ते हैं समझ में आ रहा है थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप ट्राई करते रहेंगे आ जाएगा है ना कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं पांचवी रिएक्शन आपकी है एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर कार्बन बैलेंस नहीं है तो तीन तीन
12 हो गए। अब देखिए 24 हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप बच्चों, जल्दी बताइए। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से? 12 से मल्टीप्लाई करने पर यहां पे कितना आ गया? 24। और 12 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 12 इधर भी है, चार के 12, तो देखिए बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम भी 4, एल्युमिनियम इधर भी 4, कार्बन 3, कार्बन भी 3, हाइड्रोजन 24, हाइड्रोजन भी 24, ऑक्सीजन 12। आपको फिर से मैं बता दूं कैसे 24 आ रहा है हाइड्रोजन, देखिए 4 3 जा 12, 12 हाइड्रोजन ये हो गया, और 4 3 जा 12 मैंने बताया था कि ये होल जो लगा रहता था यहां पे 3 3, और ये जब आगे लग जाता कोई भी नंबर तो मल्टीप्लाई होता है, 12 प्लस 12 हाइड्रोजन 24, और 4 3 जा 12 ऑक्सीजन 12 आपके हैं ऑलरेडी। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा टफ था लेकिन आपका हो जाएगा, लेकिन आपको करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, तभी आपको आएगा, ये एक बार में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप देखते हैं 6 इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस तरह से लिखे C3H8 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर, क्या करेंगे आप? LHS लिख लेंगे, RHS। अब यहां पे देखिए क्या क्या एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहां पे क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन कितने हैं बच्चों यहां पे? 3 है कार्बन, यहां पे कार्बन पहले एक तरफ पर ले लेंगे 8, और यहां पे 2, यहां पे कितने हैं कार्बन? 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 2 प्लस 1 3। तो सबसे पहले हम क्या बैलेंस करें? कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं ना, कार्बन बैलेंस करेंगे तो 3 हो जाएगा यहां पे 3, तो लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गए यहां पे, कितने हो गए? 6। और हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं पहले, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4, तो 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन तो हो गए हमारे पास, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन है यहां पे, 4 इधर है, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10 ऑक्सीजन है यहां पे, कितने हैं? 10 ऑक्सीजन, तो 10 ऑक्सीजन को यहां पे करने से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किस टेबल में पूर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 10 आ जाए, 5 2 जा 10, यानी यहां पे 5। अब देखिए बैलेंस है, कार्बन यहां पे 3 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 8 है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ये भी सही, ये भी सही। अब यहां पे ऑक्सीजन 10 है, 10 ऑक्सीजन, तो 3 2 जा 6, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन, और यहां पे आगे जब यहां पे लग जाए तो क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो 6 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, आई नो है, अब समझ में आ गया। ओके, सेवंथ रिएक्शन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, सेवंथ रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? H2SO4, आपको नाम पता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट एंड N2SO4 प्लस वाटर। अब देखिए बच्चों फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, LHS RHS इसको लिख लीजिए, जैसे अभी तक हम करते हैं आज रिएक्शंस पे, वैसे ही आपके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको आप लिखिए, नेम ऑफ एलिमेंट्स, सोडियम है आपके पास, हाइड्रोजन है आपके पास, ऑक्सीजन है आपके पास एंड सल्फर है, और आपको बार बार इधर चेक करने की जरूरत नहीं है, जितने नेम ऑफ एलिमेंट्स इधर भी होंगे वही एलिमेंट्स इधर भी होंगे, एल लिख लीजिए, हाइड्रोजन लिख लीजिए, ऑक्सीजन लिख लीजिए, सल्फर लिख लीजिए, लेकिन नंबर सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 प्लस 1 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहां पे 4 है, यहां पे 1 5 ऑक्सीजन, सल्फर कितना है? 1 है, सोडियम यहां पे 2 है, हाइड्रोजन यहां पे 2 है, ऑक्सीजन यहां पे 4 प्लस 1 5 है, सल्फर यहां पे 1 है। आप जो बैलेंस नहीं है सबसे पहले आने को बैलेंस कर ले, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉरी यहां पे नहीं, राइट हैंड साइड
जिधर हम लिखेंगे, जिधर आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी चेंज हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहां पे, 2 ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन यहां पे आ गया आपका, और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन सॉरी 4 हाइड्रोजन हो गए आपके, 4 हाइड्रोजन क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये और ये 4 हाइड्रोजन। अब यहां पे क्या बैलेंस लेंगे हम, हाइड्रोजन तो हम यहां पे 2 बढ़ा देंगे, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, प्लस 2 हाइड्रोजन यहां पे कर देंगे, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, सॉरी 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन यहां पे थे पहले से, 6 ऑक्सीजन हो गए। आप देखिए बैलेंस 2 है 4 है 4 है 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन सल्फर 1, तो RHS और LHS दोनों बराबर हो रहे हैं तो यहां पे बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपने देखा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कितना इजी हो सकता है यदि आप इस प्रोसेस को इस मेथड को फॉलो करें। आई थिंक सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हम आपको जब आपका वर्कशीट में भी हम आपको कुछ रिएक्शंस बैलेंस करने को देंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए तैयार रहें प्यारे बच्चों। आप लोग लगातार पढ़ाई करते हैं, जो भी मैं कंटेंट भेजता हूं उसे आप पहले पढ़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, आई नो इट कि आज आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी कैसे हम क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। थैंक यू क्लास।